सचकर तैयार हो रहा है। अयोध्या में राम की पैड़ी में लाखों दिए सजाए जा चुके हैं। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के हजारों बच्चे 5.5 लाख दियों को जलाएंगे। इस बार 5.5 लाख दिए जलाने की तैयारी है, जो एक बार फिर विश्व कीर्तिमान होगा। रामचरितमानस का लेजर शो, 13 देशों की रामलीला, 5.5 लाख दीपों का कीर्तिमान और सतरंगी लाइट्स इस बार अयोध्या का मुख्य आकर्षण होंगी। इस बार राम की पैड़ी को भी नए तरीके से बनाया गया। सरयू के साफ पानी को राम की पैड़ी में लाने की तैयारी की गई है। किनारों को चौड़ा किया गया है, जहाँ दियों की तादाद ज्यादा होगी। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम के अयोध्या आने की खुशी में अयोध्या में घी के दिए जलाए गए और दिवाली मनाई गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की। इस बार भी अयोध्या में रामलीला होगी, घी के दिए जलेंगे और पूरी भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव का यह जो कार्यक्रम है, पहले शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी, मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे, फिर कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, फिर प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा। 11 झांकियों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, साथ ही फोक डांस की 30 मंडलियां भी अपनी प्रस्तुति देंगी। त्रेता युग की तर्ज पर आकाश मार्ग से राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप राम कथा मार्ग पहुंचेंगे, ठीक उसी तरह जैसे त्रेता युग में श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विदेशी मेहमान उनका स्वागत करेंगे और राज्याभिषेक होगा। त्रेता युग की परिकल्पना एक बार फिर साकार होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीसरे दीपोत्सव में मुख्य कार्यक्रमों में से एक ये है राम कथा पार्क। यहीं पर ही नंदीग्राम से श्री राम, माता सीता और हनुमान जी पुष्पक विमान से जिस तरीके से त्रेता युग में आए थे, उसी तरीके से हेलीकॉप्टर से यहां पर लाया जाएगा और यहां पर विदेशी मेहमान होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल के लोग होंगे, उन सब के सामने यहां पर पुष्पक विमान यानी कि हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार के दीपोत्सव में 5,51,000 दिए जलाने की व्यवस्था है। ऐसे में हम लोगों ने सोचा है कि अयोध्या में जितने भी पौराणिक कुंड हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन पर भी दीप जलाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय को इस बार दीपोत्सव में भी राम की पैड़ी पर दीपक लगाने से लेकर कई अहम जिम्मेदारियां मिली हैं, जिसको लेकर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को लगाया गया है। त्रेता युग की परिकल्पना साकार होगी तो उस समय की साक्षी बनेगी अयोध्या और अयोध्यावासी। कैमरामैन स्टैंथेम के साथ संजीव आजाद, भारत समाचार, अयोध्या। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से अयोध्या में राम नगरी तैयार है। घाट